नमस्कार मित्रों, पांडेसरा पुलिस ने पांडेसरा पुलिस स्टेशन के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। पांडेसरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं, जिससे पूरे भारत के विभिन्न राज्यों से श्रमिक वर्ग के परिवार अपने परिवारों के साथ मजदूरी और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पांडेसरा क्षेत्र में रहते हैं और श्रमिक वर्ग के परिवार भी अपने बच्चों को घर पर छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए चले जाते हैं। उनके बच्चों के साथ काम करें ताकि उनकी माताओं को जागरूक किया जा सके, ताकि वे कोई आपराधिक कृत्य न करें और उनके बच्चे अपनी पढ़ाई के बारे में सूरत शहर के प्रमुख पुलिस आयुक्त श्री अनुपम सिंह गहलोत साहब और संयुक्त आयुक्त के निर्देशों के आधार पर जागरूक हों। पुलिस श्री के एम डामोर साहब सेक्टर 2 सूरत शहर, पुलिस उपायुक्त श्री विजय सिंह गुर्जर साहब जोन 4 सूरत शहर व इंचा, सहायक पुलिस आयुक्त श्री वी आर मल्होत्रा साहब एच डिवीजन सूरत शहर ने उपरोक्त निर्देश के तहत आज दिनांक 24 मई 2024 मई के मार्गदर्शन में अभियान के रूप में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस उपायुक्त विजय सिंह गुर्जर सीनियर जोन 04 सूरत शहर की अध्यक्षता में पांडेसरा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक एन के पांडेसरा थाना क्षेत्र के वलोद इलाके में सामुदायिक भवन में महिलाओं और बच्चों को जागरूक करने के लिए कमालियाज श्री नाव ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। आगे की जानकारी के लिए देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। टाइम काढ़ी ने आवेला डीसीपी जोन 4 साहेब साहब नावनो खूब खूब आभार व्यक्त करू छू अने तेमनो वेलकम करू छू अने आगळनो मार्गदर्शन आपने डीसीपी जोन 4 साहेब श्री। आपके बच्चे भी अच्छा फील करेंगे तो ब्लॉक वाइज हम लोग नंबर लेंगे, तो हर घर में कितने बच्चे हैं, कितने स्कूल जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं। शिक्षा विभाग से भी बात हुई है, एसएमसी कमिश्नर मैडम है उनसे बात की है, सीपी सर से बात की, कलेक्टर सर से बात की, तो सब बोले जो मदद वहाँ वड़ोद वालों को चाहिए वो मदद करेंगे। हमारे बहन है कॉरपोरेटर आपके सुधा बहन, इन्होंने पूरी मदद करने का आश्वासन दिया है कि जो इनसे होगा जितना हेल्प इनसे हो सकेगा ये वो हेल्प करेंगे। पर आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम लोगों को चाहिए। दूसरा चीज, जब ये पुलिस के लोग घर पे आए तो इनको प्लीज स्वीकार करिए। जो जो हमें सिर्फ बच्चों का डाटा चाहिए कि इतने बच्चे हमारे, जैसे बड़ौद में 2000 बच्चे हैं तो 2000 में से हमारे 1800 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो 200 बच्चे नहीं जा रहे हैं उनको भी हमें स्कूल भेजना है। और एक जो माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं, आप अपने गांव में जहां से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां से भी, वहाँ हम गांव में बैठते तो हम ध्यान नहीं रखते कि ये फलाने का लड़का आ रहा है, वो उसका चाल चलन ठीक नहीं है, वो बदमाशी करता है, उसकी टुकाई कर दी, करते कि नहीं वहाँ पे। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ हम आंख बंद करके बैठ जा रहे हैं कि हमारे सामने से कोई छोटे बच्चे को उठा के ले जा रहा है तो भी हमें मतलब नहीं है, कोई किसी को गाली गलौज कर रहा है तो भी मतलब नहीं है। ये हमारी रहने की जगह है ना, हम लोग ही रहते हैं यहाँ पे, तो जो काम हम अपने गांव में कर रहे हैं वो यहाँ नहीं कर सकते। अड़ोस पड़ोस के बच्चे का भी ध्यान रख सकते हैं, अगर कोई गलत लग रहा है, कोई छेड़ती कर रहा है तो उसके माँ बाप को जान कर सकते हैं कि ये बच्चे के साथ इस तरह की घटना मैंने होते हुए देखी है, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। सर कार्यक्रम रखा गया वड़ौद आवास जो है पांडेसरा पुलिस स्टेशन का, ये क्राइम के हिसाब से यहाँ पे काफी ज्यादा क्राइम होते हैं और महिलाओं बच्चों से संबंधित अपराध बहुत ज्यादा है, शरीर संबंधित अपराध, मारपीट, झगड़ा, ये सब बहुत ज्यादा है और ज़्यादातर यहाँ पे पर प्रांतीय लोग रहते हैं, तो बाहर के अपराधी जो हैं वो यहाँ के इनके पास स्टे करते हैं, तो इनका इंटेंशन ना होते हुए भी ये उसमें दोषी बन जाते हैं, तो इसलिए एक अवेयरनेस का प्रोग्राम था, ज़्यादातर महिलाएं बच्चों को यहाँ पे रखा गया था और महिला बच्चों संबंधित जो जितने अपराध हैं उसके बारे में अवेयर किया गया। एक यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो दोनों काम करते हैं, तो बच्चे दिन में अकेले रहते हैं तो कई बार बच्चों संबंधित जो अपराध हैं इनके वो चपेट में आ जाते हैं, तो इसके लिए अवेयरनेस के लिए कहा गया है
और जितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनका अभी हम सी टीम के द्वारा उनको वेरीफाई करवाएंगे और बाद में उनको स्कूल में एडमिशन कराने का प्रयास करेंगे। एक अपना पांडेसरा में डे केयर सेंटर चल रहा है पांडेसरा GIDC की मदद से, तो वहाँ 4 साल से 6 साल के बच्चे जो हैं उनको वहाँ पूरे दिन देखभाल भी की जाती है, पढ़ाया भी जाता है, गेम्स और वहाँ पर अच्छी एक्टिविटी होती हैं, पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी है। तो उसके लिए भी अवेयर किया गया है कि इस एज ग्रुप के बच्चे हैं तो उनको दिन में वहाँ भेजा जा सकता है। तो महिलाओं ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, तो इस पर अभी धीरे धीरे, ये काफ़ी टाइम तक काम करना पड़ेगा इस पर, तो धीरे धीरे हम लोग काम करेंगे। पांडेसरा पुलिस स्टेशन की सी टीम इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो हमारा प्रयास है कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहे और अपराधों की, बच्चों संबंधित अपराध, सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं, इनकी चपेट में नहीं आए और कोई आपराधिक तत्व यहाँ आके, यहाँ ये मिक्स बस्ती है, अलग अलग जगह के लोग रहते हैं, इसका यूज़ करके यहाँ आपराधिक गतिविधियों को अंजाम नहीं दें। इसके लिए महिलाओं ने आश्वासन दिया, उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ रेगुलर हम उनसे मिलते रहेंगे और ये कार्यक्रम चालू रहेगा। सर कितने बच्चे होते हैं, कितने बच्चे एक बार हमें पूरा डाटा लेना पड़ेगा। सबसे तो हमारी सी टीम को इस काम के लिए लगाया है, तो महिलाओं से बात करके वो डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जितने बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हैं तो यहाँ SMC कमिश्नर मैम से, मेयर साहब से बात करके, यहाँ लोकल कलेक्टर सर से, CP सर से, इन सब से बात करके और बाद में उनको जहाँ जहाँ भी एडमिशन अकोमोडेट उनका किया जा सकता है उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। थैंक यू।